हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम बैंक पीओ एग्जाम 2004 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रेशियो दी 5:6:8। बट आफ्टर वन ईयर जो है सी विड्रॉ कर लेता है अपना 50% ऑफ द अमाउंट और ए क्या करता है कि 60% एडिशनल अमाउंट फिर से इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इन व्हाट रेशियो प्रॉफिट जो होगी 2 साल के बाद ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो दो टाइप की पार्टनरशिप होती है। पहली होती है सिंपल पार्टनरशिप, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट पीरियड सबकी सेम होती है और जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है वो भी सेम मेंटेन रहता है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है कंपाउंड पार्टनरशिप, जिसमें क्या होता है कि टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सबकी अलग अलग होती है और उसमें क्या होता है कि हमें इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड करना होता है और रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो होती है इक्विवेलेंट कैपिटल के रेशियो में होती है और इक्विवेलेंट कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, ए बी और सी तीन लोग की इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेशियो दी हुई 5:6:8। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी बी रुपीज 5x, 6x, and 8x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी की हम अगर प्रॉफिट रेशियो की बात करें, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये इक्विवेलेंट कैपिटल के रेशियो के बराबर होगी। तो इक्विवेलेंट कैपिटल अगर हम फाइंड करें तो ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5x। ठीक है, तो 5x, बट आफ्टर वन ईयर क्या हो रहा है, वो 60% जो है एडिशनल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो 12 मंथ के लिए तो 5x हो जाएगा, बट रिमेनिंग 12 मंथ के लिए, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 2 साल है, तो 60% फिर से बढ़ गया, मीन्स 160% ऑफ 5x हो जाएगा, 160% ऑफ 5x, और ये वाली अमाउंट रहेगी नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया ए का इक्विवेलेंट कैपिटल। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बी के इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 6x, बट बी क्या कर रहा है, बीच में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है, तो 6x into 24 हो जाएगी। ठीक है, और सी सी की बात करें तो इनिशियल अमाउंट था 8x, तो 8x जो है वो 12 मंथ के लिए मेंटेन करता है और उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ के लिए वो सिर्फ इसका आधा ही इन्वेस्ट करता है, आधा वो विड्रॉ कर लेता है, तो प्लस 4x अमाउंट ही इन्वेस्टेड रहेगी नेक्स्ट 12 मंथ के लिए। तो ये तीनों के इक्विवेलेंट कैपिटल और रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगी। चलिए इसे हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 156x रेशियो 144x रेशियो 144x एंड ये बराबर हो जाएगी आपको 13:12:12। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एसबीआई पीओ के एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, तीन पार्टनर्स हैं निनाद, विकास एंड मानव। निनाद इन्वेस्ट करता है बिगनिंग में ही, मीन्स जब बिजनेस स्टार्ट होती है उसी टाइम से वो इन्वॉल्व है बिजनेस में, और विकास डबल अमाउंट ऑफ निनाद इन्वेस्ट करता है, बट वो ज्वाइन करता है 6 मंथ के बाद। ठीक है, मीन्स निनाद जब ज्वाइन करता है बिजनेस उससे 6 मंथ के बाद ये इन्वेस्ट करता है, और मानव जो है 3 times अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है निनाद का, बट वो 8 मंथ्स के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है,
और टोटल प्रॉफिट जो होती है 45,000 होती है एक साल के बाद, तो हमें मानव की प्रॉफिट कितनी होगी इसमें वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ भी देखिए आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड सभी के लिए अलग है, तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप के प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं निनाद की इन्वेस्टमेंट, लेट निनाद इन्वेस्टमेंट ₹20 ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स कितनी हो जाएगी, देयरफॉर रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपिटल के बराबर प्रॉफिट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपिटल, और इक्विवेलेंट कैपिटल हम अगर निनाद की फाइंड करें तो निनाद इन्वेस्ट कर रहा है एक्स अमाउंट, और ये पूरे 1 ईयर के लिए इन्वेस्टेड रहता है 12 मंथ। अब अगर हम बात करें विकास की, तो विकास क्या है कि वो 6 मंथ के बाद बिजनेस में ज्वाइन इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसकी अमाउंट सिर्फ 6 मंथ के लिए ही इन्वेस्टेड रहेगी, बट वो क्या कर रहा है कि डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, जितना निनाद कर रहा है उसका डबल अमाउंट, तो इसकी अमाउंट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 6 मंथ। ठीक है, और थर्ड आपका हो गया मानव, मानव क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ निनाद इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो 8 मंथ के बाद इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ वो 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो ये आपके हो जाएंगे देखिए 12x रेशियो, 12x रेशियो, 12x इट मीन्स 1:1:1, सभी के इक्विवेलेंट कैपिटल सेम ही है। ठीक है, देखो मानव की शेयर हमें फाइंड करनी है, मानव शेयर तो आउट ऑफ 3 पार्ट वन वन पार्ट जो हो जाएगा मानव का हो जाएगा, तो ₹45,000 टोटल प्रॉफिट है इंटू 1/3 जो है मानव के, इट मीन्स ₹15,000, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए LIC के एग्जाम में पूछी गई 2007 में, क्या बोला जा रहा है, ABC तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट की रेशियो दी है 1:3:5, बट क्या होता है कि आफ्टर 4 मंथ ए इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका उतना ही फिर से इन्वेस्ट कर देता है आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, एंड बी और सी जो है उनके जितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे उसके हाफ विड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1 साल की इन्वेस्टमेंट है तीनों के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पीरियड अलग है तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप की प्रॉब्लम हो गया, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपिटल हो जाएगी। तो चलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की रेशियो दी है 1:3:5, इसके बेसिस पर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है एज्यूम कर सकते हैं, लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी बी एक्स 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपिटल के बराबर हो जाएगी, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है, देखिए ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्स है और क्या हो रहा है कि 4 मंथ के बाद वो एक्स अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करेगा, तो एक्स अमाउंट तो सिर्फ 4 मंथ के लिए होगी प्लस नेक्स्ट 8 मंथ के लिए एक्स फिर से कर देगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगी नेक्स्ट 8 मंथ के लिए 2x into 8, ये आपका हो गया ए का इक्विवेलेंट कैपिटल। सिमिलरली बी की इक्विवेलेंट कैपिटल की बात कर लें, तो इनिशियल उसकी इन्वेस्टमेंट है 3x और ये 4 मंथ के लिए रहेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट 8 मंथ के लिए क्या करता है वो हाफ अमाउंट इसका विड्रॉ कर लेता है, तो इसका हाफ ही बच जाएगा, तो 3x/2 हो जाएगी इंटू 8। एंड थर्ड पार्टनर जो है सी, उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनिशियल है 5x, ये 4 मंथ के लिए है
और नेक्स्ट 8 मंथ के लिए इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ अमाउंट उसने भी विड्रॉ किया इंटू 8, ठीक है। और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 20x रेशियो 24x रेशियो 40x और रेशियो आपके आ जाएंगे 5:6:10। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, आपको SSC 2006 के एग्जाम में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी तीनों एक पार्टनरशिप करते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट दी हुई 2560, बी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2000 दी हुई है और सी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं दी हुई है। वो बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट जो है 1105 है एंड ए की शेयर इस प्रॉफिट में 320 रुपीज है, तो सी की हमें कैपिटल फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए तीनों एक साथ ही बिजनेस में इंटर करते हैं और एक के साथ ही निकलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की जो टाइम पीरियड है तीनों की सेम है, तो ये सिंपल पार्टनरशिप के प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स जो हो जाएगी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर। सी की इन्वेस्टमेंट बी की नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट सी इज इन्वेस्टमेंट बी रुपीज एक्स, ठीक है। अब देखिए ये ए बी और सी की इन्वेस्ट प्रॉफिट की शेयर जो हो जाएगी तो ए बी एंड सी, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करें उसके रेशियो के बराबर ही हो जाएगी। तो ए की अमाउंट है 2560, बी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2000 और सी का हमने अज्यूम किया है एक्स के बराबर, ठीक है। ए का शेयर दिया हुआ है 320 आउट ऑफ 1105, देखो ए की शेयर क्या हो जाएगी, ए शेयर इक्वल टू 2560 डिवाइडेड बाय 2560 प्लस 2000 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू टोटल आपकी है 1105 रुपीज 1105, यही हो जाएगी। और ये गिवन है आपको रुपीज 320, तो यहां से हम सॉल्व करके अगर एक्स फाइंड कर ले तो वही हो जाएगी आपकी सी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चलिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 320x प्लस 2560 प्लस 2000 मीन्स 4560 इंटू 320, तो ये आपके हो जाएंगे 1459200 इक्वल टू 2828800, और यहाँ से हमें मिल जाएगी 320x इक्वल टू 1369600, और कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4280। सो देयरफॉर सीज कैपिटल वाज ₹4280। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए IBPS के स्पेशल ऑफिसर IT के एग्जाम में 2015 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, ए स्टार्ट करता है एक बिजनेस और वो इन्वेस्ट कर रहा है 28,000। आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन करता है उसी बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 20,000 एंड उसके 2 मंथ के बाद मीन्स स्टार्टिंग से अगर 4 मंथ के बाद सी ज्वाइन करता है और उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 80,000 और बिजनेस के स्टार्ट से अगर हम बात करें तो 10 मंथ के बाद बी और सी 2000 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट है तो हमें ए बी और सी की प्रॉफिट की रेशियो फाइंड करनी है। तो देखिए सभी के लिए पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप के प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपिटल की रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी अगर रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स फाइंड करने हैं, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है। तो ए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 28,000 और वो
पूरे 1 ईयर के लिए सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गई इक्विवेलेंट कैपिटल ऑफ ए। अगर बी की बात करें तो बी देखिए 2 मंथ के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, और 18,000 इन्वेस्ट कर, सॉरी 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, बट 10 मंथ के बाद 2,000 जो है विड्रॉ कर रहा है, मीन्स फ्रॉम 3rd मंथ स्टार्टिंग से लेकर 10th मंथ तक 20,000 इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है, मीन्स 8 मंथ के लिए 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, फिर लास्ट 2 मंथ के लिए 18,000 क्योंकि 2,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये आपके हो जाएंगे देखिए 20,000 इंटू 8 मंथ के लिए 20,000 प्लस 2 मंथ के लिए 18,000, 18,000 इंटू 2। रेशियो सी जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 18,000 और वो 4 मंथ के बाद बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, मीन्स 5th मंथ के स्टार्टिंग से लेकर 10th मंथ के लास्ट तक, मीन्स 4-6 मंथ अगर बोले तो 18,000 उनकी इन्वेस्टमेंट होगी सी की, और उसके बाद 2 मंथ के लिए 2,000 कम हो जाएगा, मीन्स 16,000, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 6 मंथ के लिए प्लस 16,000 2 मंथ के लिए, ठीक है, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपको 336 रेशियो 196 रेशियो 140, और सिंप्लीफाई करने के बाद 12 रेशियो 7 रेशियो 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही रेशियो की प्रॉफिट्स हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।